हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। शाम होते ही ना कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन होने लगता है, तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसे बनाने के लिए ना तो मैंने मैदे का यूज़ किया है और ना ही ब्रेड का, फिर भी ये सुपर क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होगा, वो भी मिनटों में। बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ हेल्दी भी है, तो आप चाहें ना तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर शाम के नाश्ते में चाय के साथ ही बना सकते हैं। तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले एक बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटी स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाला है और फिर तेल के गर्म होने के बाद आधा चम्मच सौंफ और साथ ही आधा चम्मच ही जीरा डाला है। अब जीरा और सौंफ के चटकने के बाद बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च, बारीक कटा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 किशमिश और 8 से 10 काजू को भी काट कर डाला है। अब सारी चीजों को 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि सभी चीजों का फ्लेवर तेल में आ जाएगा। और अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 2 मिनट तक इन्हें भी सौटे कर लेंगे। सब्जियां ना आप जो भी चाहें अपनी पसंद से यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और मसाले में अब कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस एक बार सबको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद 3/4 कप के करीब मैंने फ्रोजन मटर को बॉईल करके ऐड किया है। अब इसे भी साथ में 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे और जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी और फिर खुशबू आने लगेगी, तब यहाँ मैंने 4 बड़े साइज के आलू लिया है जिसे मैं हाथों से मैश करके ऐड कर रही हूँ। पर ये हाथों से अच्छे तरीके से मैश नहीं हो रहा है क्योंकि जो आलू है ना वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो मैं अब क्या करूंगी ना कि एक पोटैटो मैशर से पहले ही आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूंगी ताकि हमें आलू और मसाले को मिलाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब आलूओं को मैश करने के बाद आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करते हुए 5 मिनट तक बढ़िया से भूनेंगे, जिससे ना स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और अब लास्ट में मैं इसमें 1 क्यूब चीज़ का ऐड कर रही हूँ। वैसे चीज़ ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना मसाले का टेस्ट दोगुना हो जाता है और बच्चे तो चीज़ के नाम से ही खाने को टूट पड़ेंगे। तो यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटा चीज़ी स्टफिंग बनकर तैयार है, तो इसे हम रखेंगे साइड में। और अब फिर से एक पैन में 2 कप पानी ऐड करेंगे, आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने देंगे। अब मैं ये नाश्ता बना रही हूँ सूजी से, तो जिस कप या कटोरी से हमने पानी ऐड किया था उसी कप या कटोरी से 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी को एक बार में पूरा मत ऐड कीजिएगा, लो फ्लेम पर धीरे धीरे सूजी को ऐड करना है और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा ना कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे और जो डो है ना वो स्मूथ नहीं बनेगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आप कोई सा भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी वाली या बारीक वाली। यहाँ मैंने नॉर्मली मोटी वाली सूजी आती है ना उसी का इस्तेमाल किया है। बस मेजरमेंट सही होगा ना तो नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब आप यहाँ देख सकते हैं सूजी ने पूरा पानी सोक कर लिया है और बहुत ही बढ़िया एकदम डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट के बाद ना हम ना इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर इसे पूरा नहीं ठंडा करना है, इसे यहाँ थोड़ा सा गर्म ही रहने देना है। जब ये हल्का सा गर्म हो ना तब आपको इसे मसलते हुए एकदम चिकना कर लेना है। इसे आप अच्छे से मसलते हुए 5 से 6 मिनट तक के लिए गूंथें, एकदम ये सॉफ्ट सा हो जाएगा, लगेगा ही नहीं ना कि ये सूजी है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सूजी है ना उसे 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से मसल लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये प्लास्टिक, इसे मैंने अच्छे से साफ करके लिया है और अब इसे हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। और आप चाहें ना तो प्लास्टिक की जगह पर बटर पेपर या कोवेक भी ले सकते हैं। अब एक लोई लेंगे सूजी की और वापस से मैंने ऊपर से एक प्लास्टिक लगा दिया है और प्लेट की मदद से इसे क्या करेंगे ना कि एकदम पूरी की तरह कर लेंगे, एकदम चपटा हो जाएगा आसानी से, आपको बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे कि जो स्टफिंग बनाई थी ना वो ले लेंगे हम और उसे ना थोड़ा सा स्क्वायर शेप देंगे। ये जो नाश्ता है ना वो मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ क्योंकि काफी अच्छे लगते हैं देखने में। आप चाहे तो नॉर्मल कचौड़ियाँ बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में स्टफिंग रख देंगे और दोनों साइड से इसे उठाकर चिपका देंगे। उसके बाद दोनों साइड्स भी इसी तरह से उठा के चिपका देंगे। इसे चिपकाने के लिए ना तो आपको पानी डालने की जरूरत है और ना ही स्लरी, ये अपने आप खुद ब खुद आराम से एकदम अच्छे से चिपक जाती है।
एकदम सील हो जाएगी। जहां जहां आपको लगे ना कि अच्छे से ज्वाइंट नहीं हुआ है, आप वहां पर थोड़ा सा हाथों की मदद से चिपका दें। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है और देखने में भी काफी इनोवेटिव लगती है। जिन्हें आप अगर बताएंगे नहीं ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे बनाया है। सब खाकर यही बोलेंगे कि ये ब्रेड से बनी हुई है, इतनी ज्यादा परफेक्ट लगती है देखने में। इस तरह से मैंने यहाँ पर बाकी सारे सूजी के स्क्वायर पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, आपको समोसे से भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये इतने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसे हम अब फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल को मीडियम ही गर्म रखा है, उसमें जितना भी कढ़ाई में आए आप एक बार में डाल दें नाश्ते को, और इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगा दोनों साइड अलटते पलटते, और एक बार आपको फ्राई करने में ना 5 से 6 मिनट लग जाएगा। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। जब इसमें एक सुनहरा सा कलर आ जाए तब आप इसे निकाल लें, गर्मा गर्म इसे चाय के साथ या किसी भी चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी ये आज की सूजी की रेसिपी, मतलब कि सूजी के स्क्वायर पॉकेट्स, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।